हाय एवरीवन, मैं हूँ नीलो फर। मस्ती विद गृहस्थी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज मेरे घर के फ्रंट साइड में हैं, मेरे फूलों वाले गार्डन में हैं। मेरे ये सब फूलों को पहले बताने का कुछ मकसद है। जो आप ये गार्डन देख रहे हैं, जो गार्डन की झलक देख रहे हैं, ये मेरे पूरे एक साल की मेहनत है। किसी भी प्लांट को खरीद कर ना लाते हुए मैंने सभी प्लांट को खुद घर में ग्रो किया हुआ है और मुझे इसमें बहुत सक्सेस भी मिली है। मेरे ये सभी प्लांट का ख्याल मैं अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्हें वक्त पर पानी और वक्त पर बदल बदल कर मैं खाद देती हूँ और उसी का नतीजा है ये बहुत ही हेल्दी मेरे सभी प्लांट है। किसी भी केमिकल का यूज़ ना करते हुए मैंने अपने इस गार्डन को तैयार किया है, तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ में उसी एक खाद का उपयोग करना और उसे किस तरह से बनाना है जिससे आपको ये इतने अच्छे अच्छे फूल मिल सके अपने गार्डन में, वो बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमें चाहिए कुछ केले के छिलके, जिसे हमें 10 से 12 दिन के लिए कड़ी धूप में इन्हें सुखा लेना है। ये देखिए, मैंने 10 से 12 दिन इन्हें कड़ी धूप में सुखा दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। ये इतनी अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए कि हम जब इसे हाथ में ले किसी भी छिलकों को, तो इसमें एक क्रंची जैसी आवाज़ आए और अपने हाथों में ये टूट सके। इस तरह से इसका क्रंचीनेस बनना चाहिए, जब जाकर हमारी ये खाद बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरीके से। बस हमें इसे अभी ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसे हमें बारीक पीस लेना है। इस खाद की वजह से मेरे प्लांट्स को पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन सभी की पूर्ति हो जाती है और मेरे फ्लावर्स का कलर्स भी बहुत ज़्यादा डार्क आता है। ये देखिए आप मेरे फ्लावर्स को, आपने देख लिया है किस तरीके से सभी फ्लावर्स हेल्दी हैं। अगर आप कोई भी पॉट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देखिए मेरा बड़ा पॉट है, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच इतना ये खाद डाल दे रही हूँ और इसे गुड़ाई करके आप इस पर मिट्टी डाल दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए और करीबन 15 से 1 महीने के अंतर पर आप इसे खाद को इस्तेमाल कर लीजिए। कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।